खबर। व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर सजग रहे महिलाएं भसीन। नागपुर युवा समाज सेवी अनुभसीन ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर सजग रहे। आपकी सजगता संपूर्ण परिवार परिसर के लिए हितकारी है। युवा समाज सेवी अनुभसीन के नेतृत्व वाली अभी दूर चलना है संस्था प्रत्येक माह शहर समाज हित में कार्यक्रम करती आ रही है। इस बार इस संस्था ने उत्तर नागपुर के बारापुली स्थित तक्षशिला कक्ष में निःशुल्क सैनिटरी पेड़ दान कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इस समूह के पदाधिकारियों के हाथों 300 जरूरतमंदों में सैनिटरी नैपकिन पैकेट का वितरण किया गया और 200 पैकेट चिप्स बिस्कुट 10 किलो मिठाइयां आदि भी वितरित की गई हैं। इस कार्यक्रम में अनुभसीन भूमिका प्रेमनानी अनिल आगुजा आदि लोगों ने योगदान दिया है। अनाथ बच्चों में खाद्य सामग्री वितरित। युक्त संस्था ने विगत माह संस्था का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों में मदद की संकल्पना के लिए संस्था की नेतृत्वकर्ता बसीन की प्रमुख उपस्थिति में वैशाली नगर स्थित कुंभापुरा के राजकीय सेवा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाद्य सामग्री भेंट की, जिसमें आटा चावल के पैकेट के अलावा फल का समावेश था। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण जरूरी। उक्त संस्था ने पर्यावरण को संतुलन रखने के उद्देश्य से गिट्टी खदान पुलिस थाने परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर थानेदार सह अन्य अधिकारी वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। संस्था ने 18 पौधे सह वाटर टैंक थाना प्रबंधन को भेंट की। अनाथ युवतियों में सिलाई मशीन में बसीन के नेतृत्व में कुंभापुरा के राष्ट्रीय सेवा अनाथ आश्रम की युवतियों को स्वरोजगार करने का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन भेंट की गई। साथ ही इस आश्रम की एक मरीज को स्वास्थ्य सुधार के लिए आर्थिक मदद सह दवाइयां भी दी गई। तो देखते रहिए खास खबर MNS News के साथ। MNS News खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से।